नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू फूल गोभी की सब्जी। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने कुछ आलू काट लिए हैं, थोड़ी फूल गोभी, दो टमाटर, एक प्याज, थोड़ी बारीक लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, थोड़ा गरम मसाला और हींग। अब हम कढ़ाई में डालेंगे जीरा। बारीक कटा लहसुन, इनको अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने देंगे। पहले हमारे लहसुन ब्राउन हो जाएगी तभी हम प्याज डालेंगे, नहीं तो हमारी प्याज कच्ची रह जाती है। फिर लहसुन हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा नमक जिससे हमारी प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। अब इनको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर पाउडर। थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर। टमाटर को अच्छे से भूनने देंगे। अभी टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हींग, थोड़ा गरम मसाला, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब डालेंगे आलू, गोभी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से गलने के लिए थोड़ा पानी मिक्स करेंगे इसमें। पानी ज्यादा नहीं डालना है, मैंने सिर्फ एक चम्मच पानी डाला है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, 10 मिनट बाद देखते हैं हमारी सब्जी तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरीके से बनाई हुई सब्जी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धनिया से करेंगे गार्निश। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।